नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम काविंद्र चौहान है। वर्ष 1556 से 70 का दौर। इस दौर में अकबर की तलवार की चमक के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक था। 1557 में अकबर ने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसने अजमेर में जमकर तोड़फोड़ की तो कई निर्माण कार्य भी कराए। लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में लिखते हैं कि इसी दौर में बादशाह अजमेर की एक मजार पर जाने लगे। उन्होंने इस मजार में बेहद काम करवाया। ये मजार थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। अकबर ही वो बादशाह थे जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत के 267 साल बाद उनकी दरगाह को कई गांव और जमीन मुफ्त में बांट दिया। अकबर ने ही चिश्ती को देशभर में लोकप्रिय बनाया। इस पसंदगी की आखिर वजह क्या रही, ये तो किताब में नहीं लिखा गया, लेकिन ये बताया गया है कि अकबर की नजर राजपुताना, जिसमें विशेषकर चित्तौड़ हथियाने पर लगी रहती थी। अजमेर इस राजपुताना का प्रवेश द्वार था, इसलिए अकबर वहां चिश्ती की मजार को बहुत ज्यादा अहमियत देता रहा। अब आपको बताते हैं कि ये वो दौर था और एक आज का दौर है। आज एक बार फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चर्चा में है। वहां के खादिमों की टीका टिप्पणी हर लिहाज से नकारात्मक है। हालांकि गद्दी नशीन सलमान चिश्ती भी सामने आए हैं और उन्होंने दरगाह के खादिमों के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह का इतिहास क्या है। मोइनुद्दीन चिश्ती की लोकप्रिय कहानियां कल्पना है या हकीकत। शिलालेखों और इतिहास की किताबों में क्या कुछ दर्ज है। इन सभी चीजों को बारीकी से समझने के लिए हम शोधकर्ता और लेखक देवेश खंडेलवाल जी की एक लेख का सहारा लेंगे, जहां उन्होंने कई इतिहासकारों की किताबों के पन्नों को समेटा है। हालांकि इस लेख में दी गई जानकारी की तथ्यात्मकता, सटीकता, संपूर्णता, व्यवहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति वन इंडिया हिंदी उत्तरदायित्व नहीं है। हम उनके लेख को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्म से, कहां और कब हुआ। तो इसके लिए भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे हरबिलास सारदा के 1941 में प्रकाशित पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पन्नों को टटोलना होगा, जिसमें वो लिखते हैं कि मोइनुद्दीन का जन्म 1143 में सिस्तान, जो कि पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान में है, वहां पर हुआ था। 1156 में मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता गयासुद्दीन की मौत हो गई और वह 1165 में ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शागिर्द बन गए। ख्वाजा उस्मान चिश्ती पंथ का अनुसरण करता था, इसलिए मोइनुद्दीन ने भी अपने नाम के साथ चिश्ती शब्द जोड़ लिया। किताब में लिखा है कि चिश्ती ने दो निकाह किए थे। चिश्ती ने दूसरा निकाह अपने निधन से कुछ साल पहले ही किया था। अब सवाल उठता है कि पूर्वी ईरान में जन्मे मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए। तो इसके लिए हम मदद लेंगे मिनाजुद्दीन सिराज की किताब तौकाते नासिरी का, जिसको कि उन्होंने 1260 में लिखा था। इसमें सिराज बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए इस्लाम की एक सेना बनाई। दरअसल वह अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता था। सिराज आगे लिखते हैं कि उन्हें किसी विश्वास पात्र ने तुलक के एक मशहूर आदमी के बारे में बताया था। तुलक अफगानिस्तान के घोर प्रांत में स्थित एक जगह का नाम है। तो ये मशहूर आदमी, जिसे मोइनुद्दीन उर्शी के नाम से जानते थे, वह कहता है कि वो सुल्तान गाजी यानी मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल था। और ये मशहूर आदमी मोइनुद्दीन उर्शी और कोई नहीं बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। सिराज की पुस्तक के मुताबिक गौरी की इसी सेना में मोइनुद्दीन चिश्ती शामिल थे। वर्ष 1929 में प्रकाशित श्रुति मोहन सेन की पुस्तक मिडिवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया के अनुसार चिश्ती 1193 में दिल्ली में थे। उसके बाद वह पहले पुष्कर गए और आखिर में अजमेर में जाकर बस गए। इस पुस्तक की प्रस्तावना खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। जैसा कि मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी किताब में लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती 1193 के आसपास अजमेर आए थे। वहीं निजामी भी उसी दौर में गौरी के वहां रहने और मंदिरों के विध्वंस की जानकारी देता है, इसलिए यह पूरी संभावना है कि गौरी के साथ ही चिश्ती अजमेर आए हों। हालांकि जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तो चिश्ती के द्वारा इन कार्रवाइयों को रोकने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंदिरों के विध्वंस के बीच चिश्ती की मौन स्वीकृति पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। इसी दौर में एक तरफ जहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, तो वहीं हिंदुओं ने तुर्कों को सिरे से नकार दिया था और वे लगातार उन्हें भारत से भगाने की कोशिश करते रहे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस बात की संभावना बेहद कम है कि अजमेर और उसके आसपास के हिंदुओं ने मोइनुद्दीन चिश्ती को किसी संत के रूप में कभी भी स्वीकार किया होगा।
मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से ही आए थे और इस्लाम की गैर पारंपरिक शैली सूफी परंपरा को अपनाया था। गैर पारंपरिक इसलिए कहा है मैंने क्योंकि जब तक इस्लाम का केंद्र अरब तक सीमित था तो इस्लाम में कला एवं साहित्य पर एकदम प्रतिबंध था और भारत में चूंकि हिंदुओं में प्राचीन कला में कला एवं साहित्य के प्रति आकर्षण रहा है, इसलिए यह एक संभावना हो सकती है कि इस नाते कुछ हिंदुओं का चिश्ती से संपर्क स्थापित हुआ होगा। मगर मोइनुद्दीन चिश्ती जीवन भर मुसलमान ही रहे और उन्होंने अपनी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आए ईरान के मुसलमानों को ही अपना शागिर्द चुना। मृत्यु के बाद उनकी कब्र अजमेर में ही बनाई गई, लेकिन वहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहा क्योंकि गौरी के समकालीन इतिहासकारों में शुमार निजामी ने उनका कोई जिक्र नहीं किया है। चिश्ती का जिक्र मात्र सिराज ने ही किया है। सिराज के बाद चिश्ती के नाम पर प्रमाणिक लेखन सीधे मुगल बादशाह अकबर के दौर का मिलता है, जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। अकबर के दौर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया गया, कहानियां बनाई गई, लेकिन इतिहासकारों की कलम बताती है कि अकबर के दौर से पहले मोइनुद्दीन चिश्ती ना तो बहुत अधिक लोकप्रिय थे और ना ही हिंदुओं ने उन्हें कभी भी स्वीकार किया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।